नमस्ते, मैं शशांक त्यागी और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडियन न्यूज नेशनल। पश्चिम बंगाल में बाईपोल इलेक्शन चल रहे हैं। असनसोल विधानसभा सीट पर आज सुबह जब बाईपोल इलेक्शन चल रहे थे तो अग्नि मित्रा वहां पर जायजा लेने पहुंची, तो कुछ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले को रोका और उन पर पथराव करना शुरू कर दिया, लाठी डंडों से उन पर हमला करना शुरू कर दिया। इसी बीच उनका एक सुरक्षाकर्मी घायल भी हो गया, तो महुआ मित्रा ने काफी गंभीर एलिगेशन पुलिस पर भी लगाए, साथ ही साथ टीएमसी सरकार को भी उन्होंने जमकर घेरा। सबसे पहले उन्होंने पुलिस वालों को बताया हम क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम पर हमला किया जा रहा था, टीएमसी के गूंज हम पर पत्थर फेंक रहे थे, लाठी डंडों से वार कर रहे थे और पुलिस मूक दर्शक बनी रही, वो खड़े खड़े देखती रही, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जब हम पर हमला हो रहा था तो पुलिस एक तरफ हो गई और उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं को हम पर हमला करने दिया, हम पर पथराव करने दिया। साथ ही उन्होंने ये कहा कि जब भी वहाँ पर चुनाव होते हैं तो हिंसा देखना कोई बड़ी बात नहीं है, वहाँ पर चुनावों के बीच में हिंसा आम हो चुकी है, चाहे बार विधानसभा चुनावों की हो या किसी और चुनाव की बात हो, वहाँ पर ऐसा कोई चुनाव नहीं है जहाँ पर हिंसा नहीं होती। कभी कभार तो ऐसा भी हो जाता है कि हिंसा इतनी बढ़ जाती है कि चुनाव को रोकना पड़ जाता है। असनसोल सीट को पहले से ही सेंसिटिव जोन में करार कर दिया गया था, वहाँ पर एक अच्छी सिक्योरिटी तैनात की गई थी, काफ़ी ज़्यादा पुलिस पर वहाँ पर खड़ा किया गया था कि चुनाव ना रोका जाए। तो अग्नि मित्रा ने साथ ही ये भी कहा कि जब वहाँ पर वो पहुंचे तो वहाँ पर टीएमसी कार्यकर्ता उनको रोकने में लग गए और उन्होंने वोटिंग प्रक्रिया में बाधा डालने की भी कोशिश करी, उन्होंने लोगों को वोट डालने से रोका, ये कहना है अग्नि मित्रा का। ऐसे में जब चुनाव भी होते हैं तो सिक्योरिटी का मुद्दा तो गंभीर रहता ही रहता है, पर बीजेपी लगातार टीएमसी सरकार को घेरती आ रही है। ये बात चुनावों की नहीं, अग्नि मित्रा ने उनको कई और मुद्दों पर भी घेरा और साथ ही ये कहा कि जिस राज्य में एक सीएम खुद महिला है तो वहां पर लड़कियों की सुरक्षा को टाइट करने की जगह ऐसी ढील दी जा रही है, जिस राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं है वो राज्य कैसे तरक्की करेगा। मैं शशांक त्यागी, देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।